बात करते हैं एससी वर्मा के चैप्टर नंबर 3 की ऑब्जेक्टिव 1 क्वेश्चन नंबर 1। क्या बोला है कि एक मोटर कार है, ठीक है, जो कि पहले नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है विद अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। फिर उसने क्या किया, इट मेक्स ए 90 डिग्री लेफ्ट टर्न विदाउट चेंजिंग द स्पीड, यानी कि उसने लेफ्ट टर्न ले लिया और स्पीड जो है अभी भी क्या है, 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, पूछा क्या है, द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द कार इज अबाउट। तो ट्राई करते हैं, समझते हैं। सबसे पहले तो ये कि जो उसका इनिशियल वेलोसिटी का वेक्टर है वो ये है नॉर्थवर्ड्स, ठीक है, और उसने क्या किया, फिर ये टर्न ले लिया वेस्ट साइड में, ठीक है, 90 डिग्री का टर्न लेफ्ट यानी कि वेस्ट। तो ये हो गया अपना फाइनल वेक्टर। अब ध्यान रखिएगा, हमें चेंज इन स्पीड नहीं निकालना है, चेंज इन वेलोसिटी निकालना है। चेंज इन स्पीड निकालने के लिए अगर बोलता तो इसका आंसर सिंपली जीरो हो जाता, क्योंकि स्पीड तो पहले भी 50 थी अभी भी 50 है। पर हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, सोचो, वी एफ माइनस वी आई वैक्टर, ठीक है। तो बेसिकली हमें वी एफ माइनस वी आई वैक्टर निकालना है, ये हमारा क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी वैक्टर, ठीक है। तो वी एफ माइनस वी आई क्या होगा, सोचिए, इस वी एफ माइनस वी आई को मैं लिख सकता हूँ वी एफ प्लस माइनस वी आई। तो बेसिकली इट इज एडिशन ऑफ वी एफ वैक्टर एंड माइनस वी आई वैक्टर, ठीक है। तो वी आई वैक्टर ऊपर की तरफ है, तो माइनस वी आई वैक्टर कहाँ होगा, सोचो, माइनस वी आई वैक्टर कहाँ होगा, नीचे की तरफ होगा, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, ये तो रहा मेरा वी एफ वैक्टर, ठीक है, तो ये तो हो गया वी एफ वैक्टर। अब माइनस वी आई वैक्टर कौन सा हो जाएगा, देखेंगे, ये जो है अपना माइनस वी आई वैक्टर हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस वी एफ वैक्टर को इस माइनस वी आई वैक्टर से एडिशन करना है, ऐड करना है। तो हमें पता है कौन सा लॉ लगता है दो वैक्टर को ऐड करने के लिए, पैरेललोग्राम लॉ। तो ये हमने पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, इस केस में ये स्क्वायर बनेगा क्योंकि वी एफ और वी आई एग्जैक्टली बराबर लेंथ के हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपना रिजल्टेंट वैक्टर, और इस रिजल्टेंट वेक्टर को हम क्या बोल रहे हैं, डेल्टा वी। ये क्या बन गया अपना, डेल्टा वी वेक्टर, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी। साफ साफ दिख रहा होगा चेंज इन वेलोसिटी। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये 50 है, ये 50 है, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट टू ये हो जाएगा 50 अंडर रूट टू, ठीक है। और डायरेक्शन साफ साफ दिख रही होगी उसकी, साउथ वेस्ट, ठीक है, ये डायरेक्शन तो क्या हो गई, साउथ वेस्ट। और 50 रूट टू की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 50 रूट टू की अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है 70। तो इसका आंसर हो गया 70 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स साउथ वेस्ट। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी, ठीक है। तो बी इज़ आवर आंसर। थैंक यू।